80 शब्द प्रति मिनट, संपादकीय डिक्टेशन, डिक्टेशन स्टार्ट होगा 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। हंगामे के कारण संसद जिस तरह लगातार 12वें दिन भी नहीं चल सकी, उससे यही लगता है कि राजनीतिक दलों की दिलचस्पी शोर शराबा करने में ही अधिक है। बीते कुछ दिनों से संसदीय कार्यवाही बाधित करने का नया बहाना अविश्वास प्रस्ताव बन गया है। हैरानी यह है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से यह कहने के बाद भी विपक्ष हंगामा करने में ही व्यस्त है कि सरकार अविश्वास प्रस्ताव समेत अन्य मसलों पर चर्चा के लिए तैयार है। आम जनता के लिए यह समझना कठिन है कि विपक्ष एक ओर नित नए विषय उठा रहा है और दूसरी ओर उन पर बहस करने की नौबत भी नहीं आने दे रहा। क्या सभी मसलों पर गतिरोध का एकमात्र कारण इस पर सहमति न होना ही है कि बहस किस नियम के तहत हो? विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर भी किस तरह संकीर्ण राजनीति कर रहा है, इसका पता इससे चलता है कि आंध्र प्रदेश में एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी दल तेलुगु देशम पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस दोनों में ही इस प्रस्ताव को लेकर होड़ लगी है। इस पर हैरानी नहीं कि अन्य विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। ऐसा करना उनका अधिकार है, लेकिन आखिर क्या कारण है कि वे किसी भी मसले और यहाँ तक कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी गंभीर नहीं दिख रहे हैं? यदि विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव नोटिस को लेकर गंभीर है, तो वे उसे पेश होने की नौबत क्यों नहीं आने दे रहे? ध्यान रहे कि लोकसभा अध्यक्ष यह कह चुकी हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन विपक्ष नारेबाजी का तो परित्याग करे, इस अपेक्षा की अनदेखी क्यों? आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी और वहां पर विपक्षी दल वाईएसआर कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि केंद्र सरकार विशेष राज्य के दर्जे की उनकी मांग मानने के लिए तैयार नहीं। सरकार को घेरने के इरादे से कांग्रेस के साथ साथ कई अन्य क्षेत्रीय दल भी इस मांग को समर्थन दे रहे हैं। वे ऐसा यह जानने के बावजूद कर रहे हैं कि कई राज्यों की आर्थिक स्थिति आंध्र प्रदेश से भी कमजोर है। अच्छा हो कि विपक्ष यह स्पष्ट करे कि अगर आंध्र विशेष राज्य के दर्जे का अधिकारी है तो बिहार क्यों नहीं है? क्या बिहार आंध्र से अधिक संपन्न है? विपक्षी दल एक ओर केंद्र सरकार से गरीबी और पिछड़ापन दूर करने के लिए
ज्यादा से ज्यादा धन की मांग कर रहे हैं और दूसरी ओर केंद्रीय सहायता के सही सही उपयोग में दिलचस्पी दिखाने से भी इनकार कर रहे हैं। अच्छा हो कि राजनीतिक दल यह समझें कि गरीबी और पिछड़ापन दूर करने के लिए धन की कमी से ज़्यादा बड़ी समस्या उसका समुचित इस्तेमाल न होना है। राजनीतिक दलों का यह रवैया पहले से ही एक बड़ी समस्या बना हुआ है कि वे हर संकट का समाधान सब्सिडी और रियायत के जरिए करना चाहते हैं। निर्धन वंचित लोगों को आर्थिक रूप से सबल बनाने के ठोस उपाय करने के बजाय गरीबी के महिमा मंडल को राजनीति के रोग के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता।